एप्लीकेशन ऑफ डेरेटिव सेकेंड एप्लीकेशन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन सो फर्स्ट नंबर है इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन मीन्स वी कंसिडर द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ है एक पॉइंट है पी एट द पॉइंट पे देर इज द टेंजेंट पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है ए ए पॉइंट के नेबरहुड में नेबरहुड ऑफ ए मीन्स ए पॉइंट से दोनों साइड में एक लिमिटेड डिस्टेंस के अंदर विदिन लिमिटेड डिस्टेंस ऑन बोथ साइड दो पॉइंट्स लेंगे एक्स वन और एक्स टू द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स वन और ये हो गया वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स टू जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करेंगे एक्स एक्सिस पे राइट लेफ्ट टू राइट एक्स इनक्रीजेस एक्स वन और एक्स टू में रिलेशन कैसा है एक्स वन लेस एक्स टू दिस इज एफ ऑफ एक्स वन विच इज लेस एफ ऑफ एक्स टू ये ऑफ एक्स वन है ये एफ ऑफ एक्स टू है जैसा yes x इंक्रीज करने के बाद यदि एफ ऑफ एक्स वैल्यू इंक्रीज होती है तो फंक्शन इज सेट टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू एफ इन सम नेबरहुड ऑफ a ए के सम नेबरहुड में नेबरहुड यानी मान लो इतना डिस्टेंस लेते हैं इतने डिस्टेंस के अंदर दोनों पे पॉइंट्स देना है एक्स वन और एक्स टू विथ एक्स वन लेस दैन एक्स टू वी हैव एफ ऑफ एक्स वन लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू एक्स एक्स इंक्रीज करने के बाद में यदि एफ ऑफ एक्स वैल्यू इंक्रीज होती है तो फंक्शन इज सेट टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन अब यहाँ पे ये डायग्राम में इक्वल टू साइन नहीं दिख रहा एफ ऑफ एक्स वन लेसन एक्स टू लेकिन डायग्राम यदि ऐसा है ग्राफ किस टाइप का है वैल्यूज इंक्रीज हो रही रिमाइंस इक्वल फिर इंक्रीजिंग चालू गए यहाँ पे इक्वल आ गए यानी कहाँ पे इक्वल आ सकता है इसलिए भी कंडीशन लेते हैं एफ ऑफ एक्स वन इज आइदर लेस देन और समवेयर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू फंक्शन इस से टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन एक्स इंक्रीज करने के बाद यदि एफ ऑफ एक्स डिक्रीज होता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कम होती है फंक्शन इज से टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन जैसा ग्राफ लेंगे ये ग्राफ ग्राह पर एफ ऑफ एक्स लिए डिक्रीज हो रही द फंक्शन इज सेट वी डिक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वैल्यू इंक्रीज हो रही इंक्रीजिंग फंक्शन अब यहाँ पे कंडीशन देखते हैं हम लोग टेंजेंट एट द पॉइंट पी मेक्स एन एक विज इन केस ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन थीटा एक्यूट एंगल है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज टेन थीटा विच इज़ ग्रेटर देन जीरो

एक्स वन लेस दैन एक्स टू एफ ऑफ एक्स वन लेस और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे ये एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन की ये वैल्यू हो गई दिस पॉइंट इज़ एक्स टू दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स टू वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू यानी एक्स वन लेस दैन एक्स टू ये कंडीशन कॉमन रहेंगे एक्स वन लेस दैन एक्स टू एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर इज डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन आते लेस दैन जीरो इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन है एफ डैश ए ग्रेटर एफ बी इंक्रीजिंग एट देयर एग्जिस्ट नेबरहुड ऑफ ए सच दैट फॉर एनी टू पॉइंट्स एक्स एंड इन दिस नेबरव विथ एक्स वन लेस एक्स टू वी हैव एफ ऑफ एक्स वन लेस एक्स टू जो ग्राफ है फंक्शन वाइज एफ ऑफ एक्स द पॉइंट पी एंगल मेड वाला के नेबरव में एक्स वन और लेस देन एफ ऑफ एक्स टू द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन इफ फॉर एनी टू पॉइंट्स एक्स वन एंड एक्स टू इन द नेबरहुड ऑफ ए विथ एक्स वन लेस देन एक्स टू वी हैव एफ ऑफ एक्स वन लेस देन एक्स टू अकॉर्डिंग टू डायग्राम देन एफ इज सेट टू वी स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग एट एक्सल टू एफ ऑफ एक्स वन लेस देन इक्वल फंक्शन रहेंगे इंक्रीजिंगवल टू नहीं है एफ ऑफ एक्स वन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स टू f of x1 less than f of x2 function is said to be strictly increasing at x equal to a. In this case the tangent at p makes an acute angle theta with positive x axis. Therefore tan theta is greater than 0. Acute angle and tan theta be positive. Like in tan theta it is f dash a the slope of the tangent at x equal to a and therefore इफ़ एफ डैश ए ग्रेटर दैन जीरो द फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग एट इक्वल टू एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए कंडीशन याद रखना है एफ डैश ए ग्रेटर दैन जीरो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन में एक्स वन लेस दैन एक्स टू यदि कंडीशन आती है एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर दैन और फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन दिस इज एक्स वन और एक्स वन एंड एक्स टू टू पॉइंट्स इन द नेबरहुड ए एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन और टू है डिक्रीजिंग एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन दोनों केस में एक्स वन एक्स लेस देन एक्स टू कॉमन है एक्स वन लेस देन एक्स टू एफ ऑफ एक्स वन लेस और इंक्रीजिंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर दैन और टू एफ ऑफ एक्स टू डिक्रीजिंग फंक्शन इफ फॉर एनी टू पॉइंट्स एक्स वन एंड एक्स टू इन दिस सेबरुड विथ एक्स वन लेस दैन एक्स टू वी हैव एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन और जगह सिर्फ ग्रेटर फंक्शन इज स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग फंक्शन एट एक्सल टू ए यहाँ पर कंडीशन आती है कि टेंटीटा लेस देन जीरो एंगल है ऑप्टिज एंगल ऑप्टिज एंगल है तो टेंटीटा निगेटिव टैंटीटा इक्वल टू एफ डैश ए द स्लोप ऑफ द टेंट

एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो या ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स लेस देन जीरो या लेस देन और इक्वल टू जीरो फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन फर्स्ट एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क् प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस सिक्सटीन एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए तो सबसे सब पहले निकालना है एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू डेरेट ऑफ एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वा माइनस डेरेट ऑफ सिक्स एक्स स्क्र है ट्वेल्व एक्स प्लस डेरेट ऑफ ट्वेल्व एक्स है ट्वेल्व इसमें से थ्री कॉमन लेते हैं थ्री कॉमन लिए तो ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर परफेक्ट स्क्वायर है एक्स माइनस टू होल स्क्वायर है थ्री इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर यहाँ पे कंडीशन है प्रॉब्लम है एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स इज एनी रियल नंबर अब एक्स इज एनी रियल नंबर एक्स के लिए वन टू थ्री कोई भी यदि रखते हैं तो वन के लिए आता है आंसर पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो टू के लिए आता है इक्वल टू ज़ीरो थ्री फोर फाइव या फिर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इट इज़ ग्रेटर दैन जीरो स्क्वायर नंबर होने की वजह से स्क्वायर की वजह से इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव सिर्फ एक्स इक्वल टू टू के लिए इक्वल टू जीरो बाकी सभी के लिए ग्रेटर दैन जीरो ग्रेटर दैन और टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर और ये कंडीशन है इंक्रीजिंग फंक्शन के एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर दैन और टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर दैट मीन्स फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ये कंडीशन लिखना पड़ता फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इंक्रीजिंग सेकेंड एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एफ डैश एक्स इक्वल टू टू के डायरेट इज ज़ीरो माइनस थ्री एक्स के डायरेट है माइनस थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर के डायरेट इज सिक्स एक्स माइनस एक्स क्यूब के डायरेटिज थ्री एक्स ऐसे माइनस थ्री कॉमन लेंगे ब्रैकेट महंगा एक्स स्क्र माइनस टू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन अगेन परफेक्ट स्क्वायर है एक्स माइनस वन होल स्क्वायेयर एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक कुछ जीरो आ सकता एक्स इक्ल टू वन के लिए और वन छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है ये प्रोटर्म पॉजिटिव हो गए थ्री आते ये पॉजिटिव हो गए लेकिन माइनस साइन आते द टर्म इज़ नेगेटिव नेगेटिव मीन्स लेस देन जीरो तो लेस देन और जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर दिस इज पॉजिटिव वैल्यू या फिर x इक्वल टू वन है तो इक्वल टू जीरो थ्री है तो थ्री थ्री इंटू एक्स माइनस वन होकर पॉजिटिव वैल्यू माइनस साइन से मल्टीप्लाई नेगेटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू मीन्स लेस देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड कंडीशन आ गए एफ डैश एक्स लेसन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर और एफ डैश एक्स लेस जैन और इक्वल टू जीरो फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन एंडस एफ ऑफ एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर थर्ड नंबर है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर डिनोमिनेटर की टर्म जीरो नहीं होना तो कंडीशन गीवन है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एक्स बिलोंग्स टू आर साथ में कंडीशन गीवन है एक्स इज नॉट जीरो एफडे एक्स इक्वल टू द रेट ऑफ एक्स है वन और डेरेटा वन बाय एक्स है माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर तो माइनस माइनस हो गया प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वन पॉजिटिव है एक्स कर पॉजिटिव है एक्स जीरो नहीं है तो एक्स कर पॉजिटिव है तो वन अपॉन एक्स कर पॉजिटिव हो गया वन प्लस वन बाय एक्स कर द टर्म इज पॉजिटिव पॉजिटिव इन्स ग्रेटर दैन जीरो यहाँ पर इक्वल टू जीरो आ ही नहीं सकता इसलिए इक्वल टू जीरो नहीं लिया अपने वन प्लस वन अपॉइन एक्स स्क्र फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन जीरो कंडीशन है इंक्रीजिंग फंक्शन की स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन एंड इंक्रीजिंग फंक्शन एंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग नहीं होना यहाँ पे इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग दोनों भी चलता कंडीशन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है क्वेश्चन में स्टेप अपन आंसर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वेदर इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। सेकंड नंबर है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ पे देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है यानी कंडीशन f डेश x ग्रेटर देन 0 फर्स्ट एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्र माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्स या फिर एफ डैश एक्स निकालना है एफ डैश एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब के डायरेक्ट सिक्स एक्स स्क्र माइनस थ्री के डायरेक्ट है सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स के डायरेट ट्वेल्व कॉमन निकल रहा है सिक्स ब्रैकेट में गए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू माइनस टू के फैक्टर्स अल्जेब्रिक्स सम होना माइनस वन माइनस टू के फैक्टर्स माइनस टू प्लस वन तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन तो सिक्स इंटू एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन अब कंडीशन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन कौन से है एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स ग्रेटर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन जीरो ग्रेटर दैन जीरो मीन्स एफ डैश एक्स की वैल्यू है सिक्स इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर जीरो अपने वास्ते फॉर्मूला है यदि ए बी ग्रेटर देन जीरो दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है दो नंबर ए और बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है इसका मतलब ए टर्म यदि पॉजिटिव है तो बी भी पॉजिटिव होना ए निगेटिव है तो बी भी निगेटिव होना पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो निगेटिव मीन्स लेस देन जीरो ए बी ग्रेटर देन जीरो मीन्स ए ग्रेटर देन जीरो एंड बी ग्रेटर देन जीरो और ए लेस देन जीरो एंड बी लेस देन जीरो और एंड में कंफ्यूज़ मत करना ए नेगेटिव तो बी नेगेटिव ए पॉजिटिव तो बी पॉजिटिव अब यहाँ पे एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन सिक्स आता है एक्स माइनस टू एक्स प्लस एंड आदर एक्स माइनस टू ग्रेटर दैन जीरो और एक्स माइनस टू लेस देन जीरो एंड एक्स प्लस वन लेस देन जीरो पहले केस लेते हैं एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स प्लस वन ग्रेटर देन ज़ीरो माइनस टू को ट्रांसफर किया था एक्स ग्रेटर देन टू एंड एक्स ग्रेटर देन वन को ट्रांसफर किया तो माइनस वन अब ये दोनों में से ये नंबर लाइन है नंबर लाइन पे माइनस वन यहाँ पे टू पहली कंडीशन है एक्स ग्रेटर दैन टू ग्रेटर दैन टू यानी इधर के पूरे नंबर आगे पूरे एंड तक अप टू इन्फिनिटी और एक्स ग्रेटर देन माइनस वन माइनस वन से ग्रेटर है ये इधर के पूरे नंबर्स यदि ये कंडीशन लेते हैं एक्स ग्रेटर देन माइनस वन इफ़ यू टेक एक्स ग्रेटर देन माइनस वन इसको यदि कंसिडर किया तो जो नंबर माइनस वन से ग्रेटर है वो जरूरी नहीं है कि टू से ग्रेटर होना चाहिए दीज नंबर्स यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स माइनस वन से लेके टू तक के नंबर्स ये माइनस वन से ग्रेटर है लेकिन टू से ग्रेटर नहीं है दिस नंबर्स आर ग्रेटर देन माइनस वन बट नॉट ग्रेटर देन टू इसलिए ये कंडीशन देते हैं तो इतने नंबर्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती इसलिए ये कंडीशन नहीं लेंगे इफ़ यू टेक दिस कंडीशन एक्स ग्रेटर देन टू जो नंबर टू से ग्रेटर है वो ऑब्वियसली माइनस वन से ग्रेटर है नहीं है यानी एक्स ग्रेटर दैन टू लेते हैं तो एक्स ग्रेटर दैन माइनस वन द कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड एंड फॉर वी टेक एक्स ग्रेटर दैन टू इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए एकदम सिंपल टेक्निक है एक्स ग्रेटर दैन एक्स ग्रेटर देन है यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन और ये भी एक्स ग्रेटर देन है तो दोनों नंबर्स टू और माइनस वन में जो ग्रेटर है वो ग्रेटर लेना है ग्रेटर देन में ग्रेटर नंबर और लेस देन में लेस नंबर इस तरीके से इसको याद रखना है एक्स ग्रेटर दैन टू एक्स ग्रेटर दैन माइनस वन टू और माइनस वन में ग्रेटर नंबर टू है तो वी टेक एक्स ग्रेटर दैन टू वैसे दूसरी केस सेकंड केस कौन सी है एक्स माइनस टू लेस देन जीरो एंड एक्स प्लस वन लेस देन जीरो माइनस टू ट्रांसफ़र किए तो एक्स लेस देन टू एंड एक प्लस वन ट्रांसफर किए तो एक्स लेस देन माइनस वन सिमिलरली यहाँ पे शॉर्टकट मेथड x लेस देन टू एक्स लेस देन वाइनस वन दोनों जगह पे x लेस देन है फिर लेस देन में लेस नंबर टू और माइनस वन में लेस नंबर कौन सा है माइनस वन है so X 1. क्योंकि जो नंबर माइनस वन से लेस है वो ऑब्वियसली टू से लेस रहना ही है एंड द फोर वी कंसिडर एक्स लेस देन माइनस वन अब ये दोनों कंडीशन ये केस नंबर वन और ये केस नंबर टू दोनों केस के बीच में क्या था और था अपने आंसर में और आएंगा एंड द फॉर फंक्शन एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज

एफ ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एफ डैश एक्स इक्वल टू थ्री के डेरेट जीरो है प्लस थ्री एक्स के डेरेट थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्र के डेरेट है प्लस एक्स क्यूब के डेरेटे थ्री एक्स स्क्वायर यहाँ से थ्री कॉमन थ्री कॉमन दिया तो ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन मीन्स एक्स माइनस वन होल स्क्वायर थ्री इंटू एक्स माइनस वन होल्सकर स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग की कंडीशन कौन सी है एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन जीरो ग्रेटर दैन जीरो मीन्स थ्री इंटू एक्स माइनस वन होल्स्कर ग्रेटर दैन जीरो अब ये एक्स माइनस वन होल्सकर घर नंबर तो इसलिए तो पॉजिटिव रहते सभी रियल नंबर्स के लिए लेकिन एक्स इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू वन एक्स इक्ल टू वन के लिए थ्री इन टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इट बिकम्स थ्री इन टू वन माइनस वन होल स्क्वायर वन माइनस वन होल स्क्वायर मीन्स जीरो ये जीरो आ गया यहाँ पे अपने को ज़ीरो नहीं होना ये कंडीशन तो लेंगे कि एक्स नॉट इक्वल टू वन यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहा तो वन चलेंगे अपने को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन कौन सी है एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो और एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन जीरो कब रहेगा एक्स माइनस वन होल्स कर ग्रेटर दैन जीरो एक्स माइनस वन होल्स कर विल बी पॉजिटिव है फॉर एनी रियल नंबर एक्सेप्टअल टू वन छोड़ के यानी एक्स नॉट इक्वल टू वन एंड एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस वन रियल नंबर माइनस द एलीमेंट वन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन थर्ड एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री सिक्स एक्स स्क्र माइनस थर्टी सिक्स एक्स प्लस सेवन एफ डैश एक्स इक्वल टू डायरेट ऑफ एक्स क्यूब है थ्री एक्स स्क्र माइनस सिक्स एक्स स्क् के डायरेट है माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस थर्टी सिक्स एक्स के डायरेट थर्टी सिक्स इसमें थ्री कॉमन लेते हैं थ्री कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेंगे एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व के फैक्टर्स अलजेब्रिक्स सम कितनी होना माइनस फोर सिक्स टू ट्वेल्व है सिक्स और फोर में का डिफरेंस है सिक्स और टू में का डिफरेंस फोर है वो ना माइनस फोर तो माइनस सिक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस टू अब कंडीशन कौन से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरोस मीन्स थ्री इन एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस टू ग्रेटर ज़ीरो थ्री ऑलरेडी पॉजिटिव है तो एक्स माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस टू ग्रेटर दैन जीरो दो टर्म का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों टर्म पॉजिटिव और दोनों टर्म नेगेटिव एंड फॉर आयदर एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर दैन जीरो एंड एक्स प्लस टू ग्रेटर दैन जीरो और एक्स माइनस सिक्स लेस दैन जीरो एंड एक्स प्लस टू लेस देन जीरो ए बी ग्रेटर दैन जीरो दैट मीन्स आयदर ए ग्रेटर दैन जीरो एंड बी ग्रेटर दैन जीरो और ए लेस देन जीरो एंड बी लेस देन जीरो ए बी ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन केस नंबर वन एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन ज़ीरो एंड एक्स प्लस टू ग्रेटर दैन ज़ीरो माइनस सिक्स ट्रांसफ़र किया तो एक्स ग्रेटर देन सिक्स एंड प्लस टू ट्रांसफ़र किया तो एक्स ग्रेटर दैन माइनस टू ग्रेटर में ग्रेटर नंबर ग्रेटर नंबर कौन सा है सिक्स एंड एक्स ग्रेटर दैन सिक्स सेकेंड केस एक्स माइनस सिक्स लेस देन जीरो एंड एक्स प्लस टू लेस देन जीरो माइनस सिक्स ट्रांसफ़र किए तो एक्स लेस देन सिक्स एंड प्लस टू ट्रांसफर किए तो एक्स लेस देन माइनस टू एक्स लेस देन है यहाँ पे एक्स लेस देन है तो लेस नंबर है माइनस टू एक्स लेस देन माइनस टू एंड फॉर द फंक्शन एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स लेस टू और एक्स ग्रेटर सिक्स देखते वक्त इंटरचेंज हो गए तो भी चलता इफ़ यू राइट फर्स्ट एक्स ग्रेटर दैन सिक्स और एक्स लेस देन वाइनस टू देन ऑल्सो इट इज राइट थर्ड एग्जाम्पल है फाइन द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग हो गए न स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग की कंडीशन है एफ डैश एक्स लेस देन जीरो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्स एफ ऑफ एक्स के ऊपर से निकालना है एफ डैश एक्स डायरेट ऑफ टू एक्स क्यूब है माइनस थ्री एक्स स्क्र के डायरेट है सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स के डायरेट है ट्वेल्व इसमें सिक्स कॉमन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू माइनस टू के फैक्टर्स अल्डीब्रिक्स है माइनस वन तो माइनस टू के फैक्टर्स है माइनस टू प्लस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन सिक्स इंटू एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन है एफ डैश एक्स लेस देन जीरो एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स लेस देन जीरो एफ डैश एक्स एंड इज सिक्स इंटू एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन लेस देन जीरो सिक्स पॉजिटिव नंबर है तो दो वटाम का प्रोडक्ट एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इट इज़ लेस देन जीरो ए बी लेस दैन ज़ीरोड ओनलीफ ए ग्रेटर देन ज़ीरो है तो बी लेस देन जीरो रहेगा और ए लेन ज़ीरो है तो बी ग्रेटर देन ज़ीरो यानी दो टर्म का प्रोडक्ट निगेटिव का कबाता एक टर्म पॉजिटिव है तो दूसरे निगेटिव होना पहली निगेटिव है तो दूसरे पॉजिटिव होना निगेटिव मीन्स लेस देन ज़ीरो दे पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन ज़ीरो यानी यहाँ पे दो केसेस आएंगे दो केसेस कौन से एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो तो एक्स प्लस वन लेस देन ज़ीरो एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स प्लस वन लेस देन जीरो पहली केस और एक्स माइनस टू लेस देन ज़ीरो एंड एक्स प्लस वन ग्रेटर देन ज़ीरो एक्स माइनस टू लेस देन ज़ीरो एंड एक्स प्लस वन ग्रेटर ज़ीरो अब इसमें केस नंबर वन लेते हैं केस नंबर वन में एक्स माइनस टू ग्रेटर ज़ीरो एंड एक्स प्लस वन लेस देन ज़ीरो माइनस टू को ट्रांसफ़र किया तो एक्स ग्रेटर देन टू एंड यहाँ पे वन को ट्रांसफ़र किए तो एक्स लेस देन माइनस वन अब यहाँ पे दोनों जगह पे एक्स लेस देन नहीं है या एक्स ग्रेटर देन ही है पहले पार्ट में एक्स ग्रेटर देन है सेकंड में एक्स लेस देन है इसलिए ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर की कंडीशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है फिर इसको ज्वाइन करेंगे एक्स ग्रेटर दैन टू एक्स ग्रेटर दैन टू मीन्स टू लेस देन एक्स एक्स ग्रेटर दैन टू तो इसका मतलब क्या होता है टू लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन माइनस वन ये दोनों बीच में आ गए एक्स तो वे राइट टू लेसन एक्स लेस देन माइनस वन टू लेसन एक्स पहला पार्ट आ गया एक्स लेस देन माइनस वन ये सेकंड पार्ट आ गया तो इसको कंबाइन करके ऐसा लिख सकते टू लेसन एक्स लेस देन माइनस वन टू लेसन एक्स लेस देन माइनस वन अब ये टू लेसन एक्स लेस माइनस वन का मतलब क्या हो गया कि टू इज लेस देन माइनस वन जो कभी पॉसिबल ही नहीं है टू लेस देन माइनस वन दिस इज़ रॉन्ग क्योंकि टू माइनस वन से लेस सही नहीं टू माइनस वन से ग्रेटर है सो विच इज़ नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल यानी नहीं केस नंबर वन रिजेक्ट हो गए एक कंडीशन कैंसिल हो गई सेकेंड केस एक्स माइनस टू लेस देन जीरो एंड एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो एक्स माइनस टू लेस देन जीरो मीन्स एक्स लेस दैन टू एंड एक्स ग्रेटर देन माइनस वन वन को ट्रांसफर किया तो एक्स ग्रेटर देन माइनस वन अब ये एक्स ग्रेटर देन माइनस वन इसको उल्टा किए तो माइनस वन लेस देन एक्स एक्स ग्रेटर दैन माइनस वन मीन्स माइनस वन लेस देन एक्स एंड एक्स ले टू यहां पे बीच में आ गया एक्स तो इसको कंबाइन कर सकते हैं माइनस वन लेसन एक्स लेस टू ये माइनस वन लेसैन एक्स पहला पार्ट आ गया और ये एक्स लेस टू सेकेंड पार्ट आ गया माइनस वन लेन एक्स लेस देन टू करेक्ट है माइनस वन लेस टू इज राइट एंड फॉर माइनस वन ले जेन एक्स लेस टू द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर माइनस वन लेसन एक्स लेस देन टू अब ये माइनस वन लेस दैन एक्स लेस टू मीन्स एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पे लेस देन कंडीशन है ओपन इंटरवल इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल माइनस वन कॉमा टू ओपन इंटरवल यानी सर्कुलर वैकेट में माइनस वन कॉमा टू यानी ये दोनों भी सेम है या ऐसा लिखो या इस तरीके से लिखो वन एंड सेम थिंग माइनस वन लेस दैन एक्स लेस टू मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस वन टू सेकेंड एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ट्वेंटी देन जीरो नॉट इक्वल टू जीरो डिनोमिनेटर एक्स आ गया कि वहाँ पे कंडीशन आना ही है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालना है डायरेट ऑफ एफ एक्स ऑफ एक्स है 1, और वन बाई एक्स के डायरेट माइनस वन बाई एक्स कर तो ट्वेंटी डायरेट माइनस ट्वेंटी स्ट्रिक्ट की कंडीशन एफ डैश एक्स लेस दैन जीरो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो मीन्स वन माइनस ट्वेंटी लेस देन जीरो अब ये माइनस ट्वेंटी ट्रांसफर किए तो वन लेसन ट्वेंटी और एक्स स्क् पॉजिटिव है जिससे क्रॉस मल्टीप्लाई या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव एक्स कर लेस 25 ट्वेंटी लेस दैन ट्वेंटी अपने पास में एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर ले जेन ए स्क्वायर है एक्स स्क्वायर ले जेन ए स्क्वायर दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए एंड ए माइनस ए ले जेन एक्स ले जेन ए ये फॉर्मूला याद रखना है एक्स स्क्र ले जेन ए स्क्वायर दैट मीन्स माइनस ए ले जेन एक्स ले जेन ए ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए प्लस माइनस है तो माइनस a, तो a और राइट right में प्लस एक्सक्वायर ले जैन ट्वेंटी फाइव मीन्स ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट है प्लस माइनस फाइव माइनस फाइव लेस देन एक्स लेस देन फाइव ये इसके ऊपर जाएगा लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड दर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर माइनस फाइव लेस देन एक्स लेस देन फाइव एंड एक्स नॉट इक्वल टू जीरो ये कंडीशन या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं ओपन इंटरवल माइनस फाइव कॉम फाइव एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस फाइव फाइव माइनस जीरो जीरो नहीं होना तो माइनस एलिमेंट ज़ीरो दोनों भी एक ही है ये इतना पूरा ये लिखो और इस तरीके से आंसर दोनों आंसर्स करेक्ट है एक्स के डेरिवेटिव वन ट्वेंटी फाइव बाई एक्स के डेरिवेटिव माइनस ट्वेंटी फाइव बाई एक्स कर स्ट्रिक्टी डिक्रीजिंग की कंडीशन है एफ डैश एक्स लेस देन जीरो वन माइनस ट्वेंटी फाइव बाई एक्स कर लेस जीरो वन लेस दैन ट्वेंटी फाइव बाई एक्स कर मींस एक्स कर लेस ट्वेंटी फाइव एक्स कर लेस दैन ट्वेंटी फाइव मीन्स माइनस फाइव लेस दैन एक्स लेस दैन फाइव एंड गिवन कंडीशन इज एक्स नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि माइनस फाइव और फाइव के बीच में जीरो आएगा लेकिन गिवन है कि जीरो नहीं है एक्स तो ये लिखना कंपलसरी है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड दिस इज़ ओपन इंटरवल माइनस फाइव फाइव माइनस एलिमेंट जीरो एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस फाइव कॉम फाइव माइनस ज़ीरो थर्ड नंबर है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर एक्स प्लस ट्वेल्व यहाँ पे एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स आएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एटीन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर थ्री कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट एट के फैक्टर्स अल्जेब्रिक्स नाम होना माइनस सिक्स फोर टू एट फोर ऑफ टू एडिशन है सिक्स माइनस सिक्स के लिए माइनस टू माइनस फोर थ्री इंटू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस टू थ्री इंटू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस टू स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन है एफ डैश एक्स लेस दैन ज़ीरो एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस दैन जीरो एफ डैश एक्सने थ्री इंटू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस टू लेस देन जीरो थ्री पॉजिटिव है फिर दो टर्म का प्रोडक्ट नेगेटिव होना एक्स माइनस फोर एक्स माइनस टू लेस देन ज़ीरो बताया था ए बी लेस देन ज़ीरो ट मीन्स ए ग्रेटर देन जीरो एंड बी लेस देन जीरो और ए लेस देन जीरो एंड बी ग्रेटर ये कंडीशन ए बी लेस देन जीरो मीन्स ए ग्रेटर देन जीरो बी लेस देन जीरो और ए लेस देन जीरो बी ग्रेटर देन जीरो पे दो केसेस एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो तो एंड एक्स माइनस टू लेस देन जीरो और एक्स माइनस फोर लेस देन जीरो तो एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो अब पहले केस लेते हैं इसमें से पहले केस है एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो तो एक्स माइनस टू लेस देन जीरो माइनस फोर ट्रांसफर एक्स ग्रेटर देन फोर एंड एक्स ग्रेटर देन टू एक्स लेस दैन टू एक्स ग्रेटर देन है एक्स लेसन है दोनों में से एक सिलेक्शन नहीं होता था कंबाइन करना पड़ेगा एक्स ग्रेटर देन फोर एक्स ग्रेटर देन फोर का मतलब फोर लेस देन एक्स एक्स ग्रेटर मेंसन एक्स एंड एक्स लेस दैन टू एक्स बीच में आ गया तो फोर लेस एक्स लेस देन टू फोर लेन एक्स फर्स्ट पार्ट एक्स लेस टू सेकेंड पार्ट अब ये फोर लेस देन एक्स लेस दैन टू फोर लेस देन टू नॉट पॉसिबल क्योंकि यहाँ का नंबर होना स्मॉलर और ये नंबर होना ग्रेटर ये उल्टा हो गया फोर लेस दैन टू विच इज़ नॉट पॉसिबल पहले कंडीशन केस के रिजेक्ट हो गए सेकेंड केस में एक्स माइनस फोर लेस ये जीरो एक्स माइनस टू ग्रेटर दैन ज़ीरोस माइनस फोर लेस दैन जीरो मीन्स एक्स लेस दैन फोर एंड एक्स ग्रेटर दैन टू एक्स ग्रेटर दैन टू एक्स ग्रेटर देन टू को लिखेंगे टू लेस देन एक्स एक्स ग्रेटर लेस देन फोर एक्स बीच में आ गया तो टू लेस देन एक्स लेस देन फोर स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर ये करेक्ट है ये गलत था And for 2 less than x less than 4, and open interval 2 comma 4, x belongs to open interval 2, 4. Thus, f of x is, is strictly decreasing for 2 less than x less than 4. That is, x belongs to open interval 2 comma 4. Open interval and in a circular bracket. फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स स्क् माइनस वन फोर्टी फोर एक्स प्लस थर्टीन इज इंक्रीजिंग सेकेंड डिक्रीजिंग यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है इंक्रीजिंग ग्रेटर देन और डिक्रीजिंग के लिए लेस देन और माइनस वन फोर्टी फोर एक्स प्लस थर्टीन एफ ऑफ एक्स के डायरेक्ट है एफ डैश एक्स एक्स क्यूब के डायरेक्ट थ्री एक्स स्क् माइनस एक्स एक्सर के डायरेक्ट ट्वेंटी फोर एक्स माइनस वन फोर्टी फोर एक्स के डायरेक्ट वन फोर्टी फोर थ्री कॉमन ब्रैकेट में थ्री कॉमन लिए तो ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स माइनस फोर्टी एट फोर्टी एट के फैक्टर्स फोर्टी एट के फैक्टर्स है माइनस ट्वेल्व प्लस फोर माइनस ट्वेल्व प्लस फोर है माइनस एट मल्टीप्लीकेशन है माइनस फोर्टी एट पहले होना अपना का कंडीशन इंक्रीजिंग एफ ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहा तो ग्रेटर देन जीरो इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो यानी थ्री इंटू एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो थ्री ऑलरेडी पॉजिटिव है तो एक्स माइनस ट्वेल्व इंटू एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो अब यहाँ पे दो केसेस लेंगे दो केसेस कौन से यदि ए बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो है तो ए ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो एंड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो ए लेस दैन और इक्वल टू जीरो एंड बी लेस दैन और इक्वल टू जीरो दीज आर द टू केसेस एक्स माइनस ट्वेल्व ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस ट्वेल्व लेस दैन और इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस फोर लेस दैन और इक्वल टू जीरो कंसिडर केस नंबर वन एक्स माइनस ट्वेल्व ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो माइनस ट्वेल्व को ट्रांसफर किए तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्व एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस फोर फोर को ट्रांसफर किया तो माइनस फोर यहाँ पे दोनों भी कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू x ग्रेटर दैन और इक्वल टू और x ग्रेटर दैन और इक्वल टू रहा तो ग्रेटर नंबर ग्रेटर नंबर है ट्वेल्व x ग्रेटर दैन और इक्वल टू ट्व सेकेंड केस x माइनस ट्वेल्व लेस देन और जीरो एंड x प्लस फोर लेस देन और जीरो एक्स लेस देन और ट्वेल्व एंड x लेस देन और माइनस फोर दोनों जगह पे x लेस देन और स्मॉलर नंबर लेस देन और स्मॉलर नंबर है माइनस फोर एक्स लेस देन और माइनस फोर दोनों के बीच में आता है और एंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस फोर और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्व एक्स लेस जैन और इक्वल टू माइनस फोर और एक्स ग्रेटर देन और टू ट्व इसको अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं एक्स लेसन और इक्वल टू माइनस फोर मीन्स माइनस इन्फिनिटी कॉमो माइनस फोर यहाँ पे इक्वल टू साइन है इसलिए क्लोज इन्फिनी के साइड से हरदम ओपन रहेंगे एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वेल्थ यानी 12 से लेकर आगे के नंबर इन्फिनिटी तक यानी क्लोज इंटर क्लोज ओपन इंटरवल 12. कॉमा आंसर दोनों तरीके से याद होना एग्जाम में कोई भी आंसर चलता सिर्फ एम सी क्यू आते हैं तब प्रॉब्लम आएगा एम सी क्यू में अपना ये आंसर पता है ये लिखा हुआ ये याद नहीं है तो इट विल बी डिफिकल्ट बाद में सेकेंड केस सेकेंड केस है डिक्रीजिंग के लिए एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स लेस देन और जीरो एफ डैश एक्स यानी थ्री इंटू एक्स माइनस ट्वेल्व इंटू एक्स प्लस फोर लेस देन और जीरो दो टर्म का प्रोडक्ट यानी थ्री पॉजिटिव है दो टर्म एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस फोर लेस देन और जीरो और लेस देन और जीरो के लिए कंडीशन कौन सी आती ए बी लेस देन और इक्वल टू जीरो दैट मीन्स ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो बी होना लेस देन और इक्वल टू जीरो और ए लेस देन और इक्वल टू जीरो है तो बी होना ग्रेटर देन और इक्वल टू केस नंबर टेल्व ग्रेटर और इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस फोर लेस देन और इक्वल टू जीरो एक्स ग्रेटर देन और माइनस ट्वेल्व अब ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वेल्व इसको इंटरचेंज करेंगे ट्वेल्व लेस देन और इक्वल टू x एंड x लेस देन और इक्वल माइनस ट्वेल्व एक्स बीच में आ गया तो ट्वेल्व लेस देन और इक्वल टू माइनस फोर ट्वेल्व और माइनस फोर में ये नंबर स्मॉलर होना माइनस फोर से ये रॉन्ग हो गए दिस इज नॉट पॉसिबल ट्वेल्व लेस देन और इक्वल टू माइनस फोर विच इज नॉट पॉसिबल इसमें सेकेंड केस एक्स माइनस ट्वेल्व लेस देन और जीरो एंड एक्स प्लस फोर ग्रेटर इक्वल टू जीरो एक्स लेस देन और ट्वेल्व एंड एक्स ग्रेटर टू माइनस फोर एक्स ग्रेटर देन और माइनस फोर इसको उल्टा कर दो माइनस फोर लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन ऑरिकल टू ट्वेल्व बीच में आ गया एक्स कंबाइन माइनस फोर लेस देन ऑरिकल टू एक्स लेस देन ओर इकल टू ट्वेल्व स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर ये राइट है माइनस फोर लेस देन ऑरिकोल टू एक्स लेस देन ओर इक्वल टू ट्वेल्व दस एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर माइनस फोर लेस देन ओरिकल टू एक्स लेस देन ओर इक्वल टू ट्वेल्व दैट मीन्स एक्स बिलोग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस फोर कॉमर ट्वेल्व